subscribe our channel and press the bell icon. Assalamu alaikum, मैं वदीम ट्रेवलर पाकिस्तान से और इस टाइम हम शुग्रां की तरफ निकले हैं चकवाल से. तो चकवाल से शुग्रां तकरीबन हमें लग जाएंगे कोई 5-6 घंटे मोटरवे के थ्रू. और हमने कोई वेदर फोरकास्ट देखी है तो वहाँ पे कोई स्नोफॉल चांसेस है आज के भी 80-90% है और कल 100% है. बाकी तो ये अल्लाह पाक के काम है. तो चलें देखते हैं क्या सीन होता है. इस टाइम हम हज़ारा एक्सप्रेस मोटरवे पे मौजूद हैं और हवेलियाँ के नज़दीक हम इस टाइम. ये अभी हम एबटाबाद शहर को क्रॉस करके थोड़ा बाहर आए हैं मियाँ जी रेस्टोरेंट पे, कोई नाश्ता वगैरह करेंगे. ये फहीम साहब बैठे हैं, फहीम अफजल साहब, जो आज के मेरे ट्रैवल पर. इस टाइम हम अभी एबटाबाद क्रॉस किया है, नाश्ता किया है मियाँ जी पे और अभी हम मानसेरा की तरफ निकले हैं. यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हमें कोई 40 मिनट लग जाएंगे मानसेरा पहुँचने में. एक तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सुजुकी मैरान और ये जो बोलान है ना, ये बहुत ज़्यादा इधर है. लगता है यहाँ पे हज़ारा में ही ना सुजुकी ने प्लांट लगाया हुआ है, तो जितनी सुजुकी की प्रोडक्ट है वो सारी है ना. अभी हम बालाकोट पहुंचने वाले हैं, यहाँ से कोई 5 किलोमीटर है. अभी जिस लोकेशन पे हम इसको तराना बोलते हैं. ये अभी हम इस टाइम बालाकोट शहर में खड़े हैं. अभी आपको बालाकोट शहर की मशहूर सौगात चेक करवाते हैं. यहाँ पे चपली कबाब वगैरह बन रहे हैं. टाइम अभी हम इधर केवाई पहुंच गए हैं, गाड़ी शाड़ी पार्क की है, पैक शेक की है उसको. तो अभी हम जीप में बैठ गए हैं तो शुग्रां की तरफ निकलते हैं. यहाँ पे बारिश शुरू है. ये अभी हम शुग्रां के रास्ते में हैं और स्नोफॉल शुरू हो गई है, जीप को चेन लगाए जा रहे हैं. अभी हम शुग्रां में इंटर हो चुके हैं और काफ़ी हैवी स्नोफॉल स्टार्ट है यहाँ पे. तो ये आप देख सकते हैं शुग्रां पहुँचते ही हैवी किस्म का स्नोफॉल मिला है हमें. सीन कुछ ऐसे है. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. तो आज हमारा ट्रिप का दूसरा दिन है और सही सारी रात स्नोफॉल हुई है. तो स्नोफॉल होने के बाद अभी हर तरफ बिल्कुल सफ़ेद चादर ओढ़ ली है. अभी बस ये हम नाश्ता करके फ्री हुए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा किस्म का स्नोफॉल चल रहा है और आज हमारा ट्रिप का दूसरा दिन है. ओके जी, फिर हम अभी शुग्रां से निकलने लगे हैं. ये हमारी जीप है तो इंशाल्लाह आगे आपको रास्ते के कुछ शॉट्स वगैरह वगैरह दिखाएंगे. तो इसी के साथ शुग्रां को अल्लाह हाफिज़ करते हैं.
ये अभी इधर गाड़ियों में से चेन उतारे जा रहे हैं। ये हमारे भाई थे, इन्होंने भी अपनी गाड़ी का चेन उतार दी इधर। ये देखेंगे जी, इस टाइम हम केवाई पहुंचने वाले हैं। अपनी गाड़ी इस तरह पैक करके गए थे, तो ये मज़र भाई अभी हमारी गाड़ी का कवर उतार रहे हैं। तो मज़र भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। गाड़ी अंडर कवर ऑफ है और इस बार गाड़ी की हालत बहुत खस्ता ही हुई है। हम केवाई पहुंच गए थे, तो हमने कहा चलें साथ ही आप कागान की तरफ से अभी होज के चले जाएं। आप देखते हैं जाके कागान में मौसम कैसा है और क्या सीन है, कार जाती है नहीं जाती है भाई। तो केवाई में भी सुबह हल्की फुल्की स्नोफॉल हुई थी, इतनी खास नहीं हुई, बारिश अच्छी खासी हुई है। तो चलें अब आपको कागान के रोड की थोड़ी सी सैर करवाते हैं। हाँ जी, तो इस टाइम हम कागान के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। ये जी, इस टाइम हम कागान में मौजूद हैं, चप्पल कबाब खाने हैं। गाड़ी लगी हुई है, आप देख सकते हैं स्नो को साथ साथ साफ किया जा रहा है, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। ये जी हमजा भाई हमारे मानसेरा से, तो रात का खाना इनकी तरफ से था आज हमारा। ये देखें जी, हमारी गाड़ी का एग्जॉस्ट गिर गया रास्ते में और हमें पता नहीं चला। और फाइनली हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आपको हमारे चैनल ट्रैवलर पाकिस्तान पर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की मुख्तलिफ वीडियोज़ मुख्तलिफ मौसम्स के लिहाज से देखने को मिला करेंगी। और अगर आप टूर्स एंड ट्रेवल्स का शौक़ रखते हैं और आपको किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो टूरिज़म से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे फेसबुक पेज ट्रैवलर पाकिस्तान, इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है ट्रैवलर पाकिस्तान। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अदीम इजाज, ट्रैवलर पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।